एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल सत्यान्द्र ज्ञान संसार में स्वागत किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यान्द्र सिंह और आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसके अंतर्गत ब्रेन आ जाता है। तो आइए हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रेन इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। एक्ट एज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इट्स कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट और किडनी। थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, सर्कैडियन जो कि जिसको बोलते हैं 24 आवर्स, रिदम ऑफ आवर बॉडी, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। इट इज़ आल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। यानी कि ब्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, जो कि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज़ कवर्ड बाय क्रेनियल मेनेंजेस कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर का ड्यूरामेटर। यानी जो आउटर लेयर है, ड्यूरामेटर है, कंसिस्टिंग ऑफ वेरी थिन मिडिल लेयर जिसको हम एरेक्नॉइड बोलते हैं एंड इनर लेयर विच इज कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यूज कॉल्ड पाया मैटर। आप याद कर सकते हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ड्यूरामेटर जो कि आउटर लेयर है, एरेक्नॉइड जो कि मिडिल लेयर है, वेरी थिन लेयर है। फिर हम बात करते हैं इनर लेयर विच इज कॉन्टेक्ट विद ब्रेन टिश्यू इस कॉल्ड पाया मैटर। बात करते हैं, द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। चलिए डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ओके, ए डीप क्लिफ्ट डिवाइडेड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इंटू 2 हाफ्स विच इज टर्म एज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ओके, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर एंड द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाई ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कार्पस कैलोसम। ठीक, द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाई ए ट्रैक्ट नर्व फाइबर्स कॉल्ड कार्पस कैलोसम। तो द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाई ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कार्पस कैलोसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाई ए द लेयर जो होता है, द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इंटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज ए ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेस अपियरेंस। तो द न्यूरॉन ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेंस मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटर इन फंक्शन। दीज रीजन्स आर कॉल्ड एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशंस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे थैलेमस।
फाइबर ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ्स विच कंसिस्ट ऑफ इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, दे गिविंग एन ओपेक वाइट अपियरेंस टू लेयर एंड हैंस इट इज कॉल्ड वाइट मैटर। द सेरिब्रम रेप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलमस विच इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। हाइपोथैलेमस कंटेन्स ए नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स विच सिक्रीट हारमोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हारमोन्स। द इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमेगडोला हिप्पोकैम्पस फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब एंड लिम्बिक सिस्टम एलोंग विथ हाइपोथैलेमस। इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेवरल बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस रिएक्शन लाइक एक्साइटमेंट प्लेजर रेज फियर एंड मोटिवेशन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो फोर ब्रेन है उसमें सेरिब्रल थैलेमस और हाइपोथैलेमस हैं, और एक जो इस तरीके से यहाँ पे ये डीप क्लिप्ट होती है जो कि सेरेब्रल लॉन्गिट्यूडनली टू हाफ्स में डिवाइड कर रही है, जिसको हम लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो और एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्ट रहती है जिसे हम कार्पस कैलोसम बोलते हैं। लेयर विच इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है एज थ्रोन द प्रोमिनेंट फोल्ड्स होते हैं जिसमें, इसको हम रिफर टू ग्रे मैटर क्योंकि इसका ग्रे अपीयरेंस होता है, इसीलिए कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर्स है। और न्यूरॉन्स सेल्स बॉडी कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग कलर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो एसोसिएशन एरिया है उसमें जो है इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी और कम्युनिकेशंस के लिए है। फिर हम बात करते हैं थैलेमस और इसके बाद हाइपोथैलेमस है यहाँ पर। तो जो हाइपोथैलेमस है उसमें बॉडी टेम्परेचर अर्ज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलमस एंड हाइपोथैलमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। ए कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। द डॉर्सल, अब हम बात करते हैं कि द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली फोर राउंड स्वेलिंग लोब्स कॉल्ड कार्पोरा कॉर्डिजेमना। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम। तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। तो जो मिड ब्रेन होता है वो थैलमस और हाइपोथैलमस के फोर ब्रेन के हाइपोथैलमस और थैलमस तथा जो हिंड ब्रेन है उसके पॉन्स के बीच में स्थित होता है। और कैनाल जो होती है जिसको हम सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। फिर क्या है, डोर्सल पोर्शन जो होता है इसका डोर्सल पोर्शन होता है, इसमें चार राउंड स्वेलिंग लोब्स होते हैं जिसको हम कार्पोरा कॉर्डिजेमना कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन में क्या है, पॉन्स सेरिबेलम और मेडुला, तीन जो मेडुला को मेडुला ऑफ लंगेटा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से
पॉन्स की बात करते हैं तो पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स ट्रैक दैट इंटर कनेक्ट डिफरेंट रीजन ब्रेन ब्रेन के डिफरेंट रीजन से कनेक्ट इंटर कनेक्ट करता है, जो इसमें जो फाइबर ट्रैक्ट होते हैं। तो फिर सेरिबिलम बात करते हैं, हैज़ वेरी कन्वर्टेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल सरफेस फॉर मैनी न्यूरॉन्स को सरफेस प्रोवाइड कराता है। इसमें जो कन्वर्टेड इसमें जो सरफेस होता है इसका कन्वॉल्यूटेड। फिर हम बात करते हैं मेडुला की, तो मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल रिस्पायरेटरी कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, यहाँ से कंट्रोल सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।